Good morning class one. Welcome back to your English class. I really hope you all are fine and safe at your home and also study well in your home. So children, today we are continue with the chapter three Two children. This is a poem two children. okay and the poet of this poem is Spike Milligan. आई रियली होप यू ऑल नो अबाउट इस पाइक मिलेगा ओके तो सब लोग पोइट का नाम याद कर लेंगे ओके सो चिल्ड्रेन बिफोर वी स्टार्ट अवर क्लास प्लीज मेक श्योर यू हैव ऑल द एसेंशियल आइटम्स विद यू योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक योर इंग्लिश बुक ग्रेड वन योर नोट बुक प्लेनर एंड पेंसिल केस ओके चिल्ड्रेन

बीज आर वेरी स्मॉल एंड वंडरफुल इंसेक्ट्स बीज क्या है बीज बीज जो होती हैं वो बहुत ही वंडरफुल और छोटी सी इंसेक्ट्स होती हैं ओके द कलर ऑफ इट्स बॉडी इज येलो एंड ब्लैक इनका कलर कैसा होता है येलो एंड ब्लैक बीज गिव अस हनी और बीज हमको क्या देती हैं हनी देती हैं ओके नेक्स्ट द होम ऑफ अ बी कॉलोनी इज कॉल्ड अ हाइव बी का घर क्या कहलाता है बी के घर को हम क्या बोलते हैं हाइव एच आई वी ओके और बी कैसे रहती हैं बी एक साथ रहती हैं कॉलोनी में रहती हैं ओके बी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कॉलोनी बोलते हैं दे आर आर टू टाइप ऑफ बी इन अ ग्रुप और एक ग्रुप में कितने टाइप की बी होती हैं दो टाइप की द फर्स्ट वन इज द क्वीन एंड द सेकेंड रेस्ट ऑफ बीज आर द वर्कर्स एक फर्स्ट टाइप क्वीन होती हैं और जितनी भी हो, बीज होती हैं उन्हें हम वर्कर्स बी बोलते हैं ओके एंड बीज हैव फाइव आईज बीज के पास कितनी आँखें होती हैं फाइव आइज होती हैं टू आर कंपाउंड साइज इट मींस बिग आईज एंड रेस्ट ऑफ थ्री इज स्मॉल टीनी आइज ओके चिल्ड्रेन सो आई रियली होप दिस विल हेल्प यू टू रिकॉल द प्रीवियस क्लास अबाउट बीज ओके सो नाउ चिल्ड्रेन वी आर मूविंग अहेड एंड अवर टूडेज एम चिल्ड्रन वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड पोएम टू चिल्ड्रंस ओके स्टूडेंट्स आज हम हमारी पोएम रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे ओके एवरी वन इज रेडी ओके सो फर्स्ट वी लर्न की वर्ड्स ऑफ दिस पोएम ओके डैट विल हेल्प अर् टू अंडरस्ट Understand the poem easily. Okay? So, the first keyword is hive. Second, dozen. Third keyword is buzzed. And the fourth and last keyword is silly. Okay, children. So, hive. Everyone know about hive? Yes. Hive means हाउस मेड बाय बीज जो बीज का घर होता है हम उन्हें क्या बोलते हैं हाइव बोलते हैं सेकेंड डजन डी ओ जेड ई एन डजन मीन्स ट्वेल्व चिल्ड्रेन जब भी कोई चीज़ जब भी कोई थिंग्स या कोई भी चीज़ नंबर ऑफ ट्वेल्व होती है है ना जब भी कोई चीज़ ट्वेल्व होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं डजन लाइक वन डजन बनाना हुं? सो so, प्लीज़ ऐसे सब लोग लर्न करके रखिएगा नेक्स्ट इज बस्ड बी यू डबल जेड ई डी बस्ड मीज साउंड मेड बाय बीज जैसे हम लोग डॉग जो डॉग जब आवाज निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बार्क हम बार्क बोलते हैं ना सेम विथ बीज हम बीज की आवाज़ को क्या बोलते हैं बज्ड जब बी आवाज़ करती हैं तो हम उन्हें बज्ड बोलते हैं ओके नेक्स्ट इज सिली इट मीन्स फुलिस जब कोई चीज़ हम बेकार कोई चीज़ करते हैं या फिर अनयूजफुल चीज़ करते हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं सिली बोल सकते हैं ओके आई रियली होप एवरी वन इजरस्ट अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स एंड Also, learn these keywords. Okay. So, now moving ahead, we start our chapter Two Children, written by Spike Milligan. And now we start our poem. So, please, children, open your book and put your finger on your book and let's repeat after me. Okay. so the first line is two children small children are small छोटे छोटे बच्चे हैं okay वन फोर वन फाइव okay एक फोर years का है एंड सेकेंड इज फाइव years वंस सा बी गो टू गो इन टू hive एक बार उन्होंने बी को देखा हाइव में जाते हुए इट मीन्स बी के घर में जाते हुए देखा दे हैड नेवर सीन अ बी बिफोर उन्होंने कभी भी बी को नहीं देखा था बिफोर मीन्स इससे पहले ओके okay? इससे पहले उन्होंने कभी बी को नहीं देखा था सो वेटेड देयर टू सी सम मोर इसलिए वो लोग वहाँ पे रुक गए क्या और बीज को देखने के लिए ओके okay? everyone is clear clear okay so let's read again two children small one four one five one saw bee go to into a hive. they had they had never seen a bee before, so waited there to see some more okay next. एंड श्योर इनफ अलॉन्ग दे केम और उन्हें ये कन्फर्म था कि अभी वो सब आएंगे ओके अ डज़न बीज एंड ऑल द सेम कितनी सारी बीज आई डजन बीज इट इट मीन्स नंबर ऑफ बीज कितनी थी ट्वेल्व सो so, और सब एक जैसी लग रही थी सेम लग रही थी बिकॉज द कलर ऑफ बीज इज ब्लैक एंड येलो तो सारी बीज एक जैसी लग रही थी विद इन द हाइव दे बस्ट अबाउट और वो सब हाइव से मतलब अपने घर से क्या कर रही थी आवाज कर रही थी कैसी आवाज बस्ड जैसी देन वन बाई वन दे ऑल फ्लू आउट फिर एक के बाद एक सारी बाहर हाइव से बाहर उड़ ओके इज okay? इन्जॉइंग दिस पोएम येस तो नेक्स्ट इज सेट फोर जो फोर ईयर का बच्चा था है ना दो बच्चे थे दो चिल्ड्रंस थे वन इज़ फाइव इयर्स एंड सेकेंड वन इज फोर ईयर तो जो फोर ईयर्स का चिल्ड्रेन था वो क्या बोलता है दो बीज आर सिली थिंग्स ये जो बीज हैं वो क्या है सिली थिंग्स हैं इट थिंग्स हैं। बट हाउ आई विस आई हैड देयर विंग्स। लेकिन मैं फिर भी ये इच्छा 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 रखता हूं कि मेरे पास भी इनके जैसे विंग्स हों ओके आई रियली होप यू ऑल अंडरस्टैंड द पोएम मीनिंग्स एंड ऑल्सो लर्न दिस पोएम इजली

फर्स्ट क्वेश्चन इज द होम ऑफ बीज इज कार्ड हम बीज के होम को क्या बोलते हैं येस वेरी गुड आई नो यू ऑल न्यू द आंसर्स सो द सेकेंड क्वेश्चन इज द होम ऑफ एन आंट इज कार्ड और हम आंट के होम को क्या बोलते हैं ओके okay.

नेम एंथिल हम आंट के होम को क्या बोलते हैं एंथिल ओके ए एन टी एच आई डबल एल एंथिल ओके नाउ मूविंग अहेड चिल्ड्रन नाउ प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस नेम एनी थ्री इंसेक्ट्स डेट हैव विंग्स टू मूव अराउंड हम अभी आप मुझे आंसर दीजिए कोई भी तीन इंसेक्ट के नाम जिनके पास विंग्स हैं और जिससे जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ओके जस्ट थिंक एंड देन आंसर मी ओके ओके आई रियली होप यू ऑल डन सो द आंसर इज फर्स्ट इज बटरफ्लाई बटरफ्लाई देखिए बटरफ्लाई के पास विंग्स होते हैं ना यस सेकेंड इज कॉकरोच कॉकरोच इज ऑल्सो इंसेक्ट एंड दे हैव विंग्स एंड थर्ड इज मॉस्किटो एवरी वन नो अबाउट मॉस्किटो यस मॉस्किटो इज ऑल्सो इंसेक्ट एंड दे हैव ऑल्सो विंग्स so please try to learn these questions answers okay now we have our today's work so please note down the work in your notebook and answer it okay so the first work is fill the blanks with the correct options okay children you have to fill the correct option i give you two options in bracket and you have to select the correct answer and fill the blanks in your book book exercise okay so the first is they had never seen a bee okay the option is before and after so you have to select the correct option children this sentence is टेकन फ्रॉम योर पोएम ओके ये आपकी पोएम से ली गई सेंटेंसेस हैं सो प्लीज़ अगर आपको पोएम लर्न है और आपने बहुत अच्छे से पोएम सुनी है सो यू विल आंसर करेक्टली एंड द सेकेंड इज अस्पेस बीस एंड ऑल द सेम ओके सो प्लीज़ फिल द करेक्ट ऑप्शन इन योर बुक एंड नेक्स्ट वर्क इज आंसर द क्वेश्चन इन योर नोट बुक यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन योर नोट बुक ओके विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग प्लीज़ चिल्ड्रंस मेक्स योर यू ऑल्सो मैंसन द डेट ओके डोंट फोगेट टू मैंसन द डेट आपको अपने वर्क के ऊपर डेट में, मैंसन करनी है जिस भी डेट की वीडियो है आपको उसमें डेट लिखनी है ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड द चिल्ड्रेन विस द हैड चिल्ड्रंस जो चिल्ड्रेन थे वो क्या विस कर रहे थे कि उनके पास भी हो जैसे बी के पास है ओके आई नो यू ऑल नो द आंसर्स सो प्लीज़ आंसर इट इन योर नोटबुक सेकेंड इज वट फूड डज द बी मेक और बी कौन सा फूड बनाती है ह्यूमन्स के लिए स यू ऑल नो द आंसर्स वेरी गुड नाउ चिल्ड्रेन द नेक्स्ट वर्क इज लर्न फोर लाइन्स ऑफ द पोएम टू चिल्ड्रेन ओके चिल्ड्रन आप लोगों को टू चिल्ड्रेन पोएम की स्टार्टिंग की फोर लाइन्स लर्न करनी है ओके ट्राई टू लर्न फास्टर अच्छे से याद करिएगा एंड प्लीज मेक श्योर आप सब लोगों को पोएम की फोर uh, लाइंस अच्छे से याद हो ओके वेरी गुड सो नाउ वी हैव आवर बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे एवरी वन इज एक्साइटेड फॉर बोनस क्वेश्चन ओके सो आई विल टेल यू चिल्ड्रंस इफ़ यू लिसन दिस वीडियो केयरफुली यू विल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ओके सो द क्वेश्चन इज वॉट इज द नेम ऑफ आंट्स हाउ होम आंट के होम को हम क्या बोलते हैं चीटियों के घर को हम क्या बोलते हैं ओके चिल्ड्रंस सो यू हैव फोर ऑप्शंस इन योर ऑनलाइन एग्जाम यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ओके नाव वी हैव अवर प्लान ऑफ वर्क Do fill in the blanks in your book, answer the questions in your notebook, and learn four lines of the poem to childrens. After note down your planner work in your planner, please get your parents' signature. Okay? And I really hope, children, you all enjoy the poem and also understand the meaning of poem so thank you so much for listening me and watching the video please study well safe uh, safe please keep yourself safe at your home don't go anywhere stay safe stay healthy okay children thank you